Shut up and sit down. चलिए आइए हम लोग देखते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि में अंतर. इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म मेजर एंड जनरली रेफर्स टू ईयर राइज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम इन रियल टर्म्स. आर्थिक समृद्धि एक अल्पकालिक माप है तथा इससे अभिप्राय राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वार्षिक परिवर्तनों से है. बट द इनकम इंडेक्स डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द डिस्ट्रीब्यूशनल आस्पेक्ट ऑफ नेशनल इनकम. परंतु आय सूचक राष्ट्रीय आय के वितरण के विषय में कोई जानकारी नहीं देता. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इनकम अप्रोच डज नॉट टेक इन टू अकाउंट द अनप्रोडक्टिव एंड डिसफंक्शन ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव एंड सोशली यूजफुल ग्रोथ. एक अन्य बात यह भी है कि आय विधि में अनुपादक और निरर्थक समृद्धि तथा सामाजिक दृष्टि से उत्पादक एवं सार्थक समृद्धि में भी कोई भेद नहीं किया जाता. इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द अदर हैंड इज अ लॉन्ग टर्म मेजर ओवर अ लॉन्ग पीरियड. दूसरी ओर आर्थिक विकास एक दीर्घकालिक माप है. The economic development refers to overall rise in standard of living and a better quality of life. आर्थिक विकास से अभिप्राय जीवन स्तर में हुए कुल सुधार तथा जीवन की गुणवत्ता में सुधार है. Besides income index, some no income indices are also taken into account. इसमें आय सूचक के अतिरिक्त कुछ गैर आर्थिक सूचक को भी समाहित किया जाता है. These are high life expectancy at birth, low infant mortality and high rate of literacy. ये हैं जन्म के समय उच्च जीवन प्रत्याशा, निम्न शिशु मृत्यु दर तथा उच्च शिक्षा दर. An improvement in these non-income indices imply that the quality of life has also improved. इन गैर आर्थिक सूचकों में सुधार सूचित करता है कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है. सम इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनेस्को एंड आईएलओ इंक्लूड द बेसिक नीड्स अप्रोच सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, गुड हेल्थ एंड एजुकेशन एज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. संयुक्त राष्ट्र शिक्षा एवं सामाजिक आयोग यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ जैसी विश्व संस्थाएं अब मूलभूत आवश्यकता आधारित संकल्पनाओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, पेयजल, स्वच्छता, परिवहन सुविधाओं, चिकित्सा तथा शिक्षा की उपलब्धता को आर्थिक विकास के सूचक के रूप में सम्मिलित कर रही हैं. The objective of development, therefore, is meeting the needs of the vast masses of population. अतः विकास का उद्देश्य विशाल जन सामान्य की आवश्यकताओं को पूरा करना है. The United Nations Development Program emphasizes on Human Development Index (HDI) that is based on per capita income, educational attainment, and life expectancy. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रति व्यक्ति आय, शैक्षणिक उपलब्धियों और जीवन प्रत्याशा पर आधारित मानव विकास सूचक पर बल देता है. Thus it is a composite index of economic and social indicators. इसलिए यह आर्थिक और सामाजिक सूचकों का एक समन्वित सूचक है. The economic development therefore is a much wider term to capture overall improvement in the quality of life of people. अतः लोगों के जीवन की गुणवत्ता में हुए सर्वव्यापी सुधार को देखने के लिए आर्थिक विकास एक अधिक व्यापक संकल्पना है. तो देखिए जो आपका डिफरेंस है, इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ इनकम पे होता है, डेवलपमेंट जो है वो बहुत चीज़ों पे यहाँ पे देखा जा रहा है. क्या क्या, आप कैसा खाना खाते हैं, कपड़ा, घर, पानी पीने का, सैनिटेशन फैसिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट,
लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छे होने चाहिए, लोग अनपढ़ नहीं होने चाहिए, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो स्वस्थ पैदा हो, माइनर जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु दर पे कमी आए, टोटल बर्थ रेट पे कंट्रोल में हो, डेथ रेट पे कंट्रोल हो, मतलब जो डेथ रेट है वो सही हो, हालांकि डेथ रेट को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, बर्थ रेट को आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सरकार को कुछ नियम बनाने पड़ेंगे जो कि भारत देश जैसे बड़े देश में थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारी आबादी 130 करोड़ से ज़्यादा है। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ पर कैपिटा इनकम, आप कितना पैसा कमा रहे हो, इसको नहीं देखा जाएगा। इसके साथ बहुत सारा चीज़, आप कहाँ पढ़ रहे हो, आपकी औसत क्या आय है, औसत क्या उम्र है आपके देश में, सब चीज़ों को देखा जाएगा। आपका पर्यावरण किस हिसाब से है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, ये सारे मानकों को देख के इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाएगा। और जो देश इन सारे मानकों में ठीक तरह से मिलेगा उसी को इकोनॉमिकली डेवलप्ड माना जाएगा।